तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि पटेल स्टोर। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो बनाने का मकसद है, काफ़ी समय से ये हमारा सफ़ेद इलायची का जो पौधा है इसके अंदर रखा हुआ है कंटेनर के अंदर, जो कि कंटेनर नहीं सॉरी, इसको ग्रो बैग बोलूँगा मैं, ग्रो बैग ही है जो कि मैंने अभिषेक माझी जी से परचेस किया था। तो इसको जो है बर्निंग भी काफ़ी हुई है और इसके अंदर काफ़ी सारे पफ जो हैं इसके जो निकल आए हैं नीचे से। तो आज जो है हम जो है इसको प्रोपिगेट करने वाले हैं और आप भी जानेंगे इसको प्रोपिगेशन कैसे कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, सफ़ेद इलायची हो या फिर बड़ी वाली इलायची हो, इस तरीके के प्लांट जो कि नीचे से पफ छोड़ते हैं तो आप उनको इजीली जो है प्रोपिगेट कर सकते हैं। तो उनका प्रोपिगेशन का तरीका क्या है वो मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। इसमें कुछ बर्निंग भी है, ये देखें यहाँ से। तो ये हमने जो है पॉलीथिन कुछ निकाली है, ये पॉलीथिन कम है भाई कैमरामैन, बहुत ज़्यादा कम है। चलिए खैर कोई नहीं, फिलहाल हम आपको जो है थोड़ी बहुत ही लगा करके दिखाएंगे और उसके साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। फिलहाल बरसात का टाइम शुरू हो चुका है, आप लगभग आज जो है मेरे ख्याल से 24 जून है और 24 जून है तो 24 जून का मतलब है कि बरसात स्टार्ट हो चुकी है। बरसात के साथ आप अपने प्लांटों के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, नो डाउट, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बड़ी वाली कैंची लेकर के आएँ और वो छोटी वाली खुरपी होगी वो भी ले आना। हाँ, तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे, जब मैंने लगाया था इसको तो इसका अपडेट शायद मेरे ख्याल से आपको दिया था, मैंने अपडेट नहीं दे पाया था, तो इसका ये अपडेट भी है। काफ़ी बर्निंग हुई है इसके साथ धूप की वजह से और काफ़ी पत्तियाँ इसकी जल गई हैं और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। इसकी सूखी पत्ती के अंदर भी सफ़ेद इलायची की खुशबू आ रही है। आप इसको चाय में यूज़ कर सकते हैं, चाय बनाने में। तो फ़िलहाल हमें जो एक खुरपी और लिया छोटी वाली है, तो फ़िलहाल हमें यूज़ कर जो ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी एक ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी चीज़ हमें इसकी खुरपी जो हमारी है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से इसको निकालना है। पहली बात तो इसको निकालने का सीन बड़ा कर रहा है, थोड़ा सा टफ है। ज़रा छः पे कर ले, छः पे है ठीक है। चलिए अब मैं इसको निकालता हूँ। ये मेरा जामुन का पेड़ है, ये मेरा दूसरी जगह था। तो इसको निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लिटालना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी समय से ये, अरे बहुत भारी हो चुका है ये मेरे ख्याल से। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे और ये देखें यहाँ पर हमारा इसके नीचे रखा हुआ ईंटों के ऊपर रखा हुआ था जैसा कि देख पा रहे हैं आप, और इसके नीचे कीट पतंगे भी हो चुके हैं मेरे ख्याल से, छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े ना हुआ हों तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, फ़िलहाल हम इसको निकालते हैं और इसको निकालने के लिए आपको इस तरीके की थोड़ी सी मशक्क़त करना पड़ेगी क्योंकि काफ़ी हैवी है ये, थोड़ा सा वेट है इसके अंदर, मेरे तो दौड़ भी नहीं रहा। फिर फिलहाल इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं और ये देखें ये हमारा जो है निकल रहा धीरे धीरे, इस तरीके से निकाल लेंगे। इसमें मैं अभी दोबारा से फिर से लगाऊंगा कुछ पौधे, एक पफ। तो फ़िलहाल मैं इसको इस तरीके से अभी रख देता हूं और देखें इसकी रूट अभी हालांकि बॉन्ड नहीं हुई है और ये देखिए इसके नीचे तक पानी नहीं पहुंचाया और इस तरीके से ये थोड़ा सा सूखा भी है और साइडों से पानी निकल गया था। तो ये देखें यहाँ पर रूट इसकी काफ़ी ढेर सारी जो है निकल करके आई हैं, वाइड वाइड रूट्स हैं। तो ये देखें यहाँ पर और भी पफ निकल रहे हैं, यहाँ से देखें, दिखाएं कैमरामैन, यहाँ से और भी पफ निकल रहे हैं जो कि और भी प्रोपगेशन होगा इसका। तो चलिए मैं इसको निकालता हूँ और जल्दी जल्दी से इसको करता हूँ मैं खाली। अब मैं आपको स्पीड ज़रा तेज़ करें कैमरामैन, हाइपरलैप में बना वीडियो। जैसा कि आपने देखा मैंने अभी इनको जो है कुछ ये पफ निकाल ली हैं, जैसे ये देखें इसकी रूट निकली हुई है और यहाँ से नई नई और भी जो है वो ब्रांचें आ रही हैं, मतलब इसकी कलियाँ निकलने वाली हैं ये देखें। और इसको भी मैंने निकाला है, ये भी कली नई निकली है और ये देखें यहाँ से ये भी प्रोपिगेट हो चुका है। ये देखें इसका भी जो है सीन चालू है, ये सिंगल सिंगल प्लांट भी लगा सकता हूँ पर मैं ये डबल है, ये डबल ही लगा दूँगा। काफ़ी सारे हो जाएंगे प्लांट मेरे पास, कम से कम हो जाएंगे तो तादाद इनकी अच्छी खासी रहने वाली है। इस तरीके से आप प्रोपगेट कर सकते हैं और आप उनको रीसेल भी कर सकते हैं इजीली, आप सस्ते दामों में बेच सकते हैं। आपको भले ही ये 50 रुपये का मिला हो, आप उसे 10 रुपये का भी बेच देंगे तो आपके पास लंक लग जाएगा पैसों का।
क्योंकि आपके पैसे वसूल भी हो जाएंगे और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप वक्त बे वक्त ये काम करते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे ये सूख रहा है तो क्या करना है कि इसको अपना जो है ऊपर का जो कली है तो इसको यहाँ से इस तरीके से काट देंगे। देखें इतना बड़ा कर लेना है ये, जैसे कि ये है, इसको मैं यहाँ से काट लूँगा और इसको भी मैं यहाँ से कट कर लूँगा, ताकि ये जो है इसके सर्वाइव में, इसकी ग्रोथ में जो है रुकावट न डालें। अगर ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ होंगी तो ये जो है झुलसेंगी गर्मी की वजह से, और जो है इनमें जो है जल्दी से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और आपके पास छोटा कटर है, छोटे कटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे। और ये तो फ़िलहाल छोटे छोटे हैं, आप इनको ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको लगा कर दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ। दो पौधे ये हमें लेना है, 4 या 5 इंच की पॉलीथिन जैसे कि ये है, तो इस तरीके की मिट्टी में आप यहाँ से इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी रूट भी देखें, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वेल डेवलप है, और ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। सफ़ेद इलायची को करना, और भी काफ़ी सारे प्लांट हैं। बहरहाल आप ये जून जुलाई का जो महीना चल रहा है, आप इसके अंदर जो है जितने भी हो सके कोशिश कर सकें आप प्लांट लगाने की, कटिंग लगाने की, तो आप लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपके लिए फ़ायदे की बात है और उसमें आपको तजुर्बा ही मिलेगा। ये मौसम बार बार नहीं आता है, एक बार ही जो है साल में आता है, तो इसलिए आप अगर वक्त इसको जो है गंवाना नहीं चाहते हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अभी से ही इस तरीके से लगाना स्टार्ट कर दें। इस तरीके से ये लगा लिया मैंने एक, अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ। थोड़ी सी बड़ी वाली जो ब्रांच है ये वाली देखें, इसको भी इसी तरीके से आप लगा देंगे। और ये जो मेरी मिट्टी है उसके अंदर जो है काफ़ी सारा मिक्सचर है, पर आपको जैसा मुनासिब लगे नॉर्मल मिट्टी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी भी रूट काफ़ी अच्छे खासे से डेवलप है, तो इसके जो काफ़ी सारे पफ हैं देखें आप, अनगिनत पफ हैं इसके अंदर। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, अभी ज़रा इसको लगा करके दिखा दूँ। फिर इसके ऊपर से आप फंगीसाइड हो फंगीसाइड लगा दें, और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं चलेगा, आप इसमें जो है सिर्फ पानी डाल दें बस। इस तरीके से दिखाएं कैमरामैन, ये दिखाएं इस तरीके से आप जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है इसका प्रोपेगेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको प्रोपेगेट कैसे किया जा सकता है, और इसको प्रोपेगेशन करने के लिए जो है कोई ज़्यादा बड़ा जो है ख़तरा भी नहीं है इसमें, क्योंकि मौसम इस टाइम जो है इसके अंदर, मौसम के अंदर अभी ह्यूमिडिटी 50% 40% के करीब यहाँ रह रही है, और ह्यूमिडिटी ही जो है मैटर करती है हर चीज़ के लिए, के प्लांट प्रोपेगेशन के लिए। तो उस टाइम पे मौसम बेहतर है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बरसात रेनी सीज़न में आप जो है हर तरीके की कटिंग को जो है ग्रो कर सकते हैं, सिवाय कुछ कटिंग्स को छोड़कर। कुछ का गर्मी में सीज़न होता है, कुछ का सर्दियों में सीज़न होता है। तो अभी इस टाइम आप फ्रूट वाले फूल वाले रोज़ कटिंग लगा सकते हैं आप, और जैसे कि मैंने ये दिखाया आपको, ये भी लगाया, ये देखें मेरी चाइना डॉल है, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, अरेनियम को भी ग्रो कर सकते हैं, चीकू को शायद नहीं कर सकते, पर हेविस्कस है, हेविस्कस को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं आप कटिंग के द्वारा। और आप जो मोर पंखी होती है, थजा होती है, उसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेमन को ग्रो कर सकते हैं कटिंग के द्वारा, आप संतरे को ग्रो कर सकते हैं, मौसमी को ग्रो कर सकते हैं, अमरूद को ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं, चाहे एयर लेयरिंग कर लें, एयर लेयरिंग बेस्ट ऑप्शन है, और जो कटिंग है वो थोड़ा सा डाउन में आता है। और बाकी जैसा भी आपके साथ मैंने अभी शेयर किया, आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके से मैं भी प्रोपेगेशन इसका कर दूंगा सारा का सारा। मैं फिर किसी दिन इसका पूरा कंप्लीट वीडियो फिर से दिखाऊंगा मैं इसको, जब ये चल पड़ेंगी सारी कटिंग्स। फिलहाल आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर इंतज़ार करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफ़िज़।